विवादित स्तर पर है। कुछ लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर से यह धारा हटा दी जाए, जिसके तहत MNS न्यूज एक खास पेशकश धारा 370 के साथ हाजिर है। धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद है, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को संपूर्ण देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्राप्त है। आज पुलवामा हमले के बाद सारी जनशक्ति का आक्रोश जो है वह बदला तथा धारा 370 कश्मीर से हटाने को लेकर बरकरार है। 370 के तहत मिले विशेष अधिकारों पर डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास होती है दोहरी नागरिकता, साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज भी अलग होता है। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि बाकी राज्यों में यह 5 वर्ष का है। सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी और राज्य के नागरिक से विवाह कर ले तो वह कश्मीरी नागरिकता खो देती है। दूसरी तरफ अगर किसी और देश का नागरिक, मैं आपको फिर बता दूं, किसी और देश का नागरिक कश्मीरी महिला से विवाह कर ले तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। 370 के तहत जम्मू में RTI, RTE, CAG लागू नहीं होता। संक्षेप में भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्ध संबंधित भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। धारा 370 के प्रावधान के अनुरूप संसद की जम्मू कश्मीर के में रक्षा, विदेश मामले और संचार के कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी तरफ किसी दूसरे विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान धारा 356 लागू नहीं होती। आपको बता दें यह धारा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्यकाल में आपातकालीन समय में यह लगाई जाती है और अब जब 356 यह धारा लागू नहीं होती है तो राष्ट्रपति को राज्य को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकता। 360 धारा के तहत देश में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय करना ज्यादा बड़ी जरूरत थी। ऐसा करने के लिए 370 धारा के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर के आवाम को उस समय दिए गए। धारा 370 के तहत कुछ विशेष बातों की ओर रुख करते हैं। यह धारा भारत के संविधान के 21वें स्थान में समाविष्ट है, जिसका शीर्षक है अस्थायी प्रवर्तनीय और विशेष प्रावधान, टेम्पररी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविजन। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह धारा टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इस धारा में समय पर बदलाव किए, जिसकी शुरुआत 1954 से हुई। 1954 विशेष इसलिए है क्योंकि 1954 में कश्मीर के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। यह सारे संशोधन जम्मू कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किए गए। 1954 में चुंगी केंद्रीय आबकारी नागरिक उद्यान और डाक केंद्रीय सेवा के IAS तथा IPS अधिकारियों की नियुक्ति इस राज्य में होने लगी। कैग के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुए। 1959 में भारतीय जनगणना का कानून भी लागू हुआ। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया। 1964 में 356, 357 इस राज्य पर लागू किए गए। इन धाराओं के तहत जम्मू कश्मीर में संविधानिक व्यवस्था के गड़बड़ाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू करने के अधिकार प्राप्त हुए। 1965 में श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा संबंधी केंद्रीय कानून राज्य पर लागू हुए। 1966 में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। 1966 में ही जम्मू कश्मीर के स्थान पर मुख्यमंत्री
का 1967 में ही जम्मू कश्मीर के स्थान पर 1967 में ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने संविधान में कुछ जरूरी सुधार करते हुए प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री तथा सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल इन पदनामों को स्वीकार किया। राज्यपाल का चुनाव विधानसभा द्वारा हुआ करता था तब तथा अब राष्ट्रपति द्वारा होने लगा। 1967 में जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनावी संबंधित मामलों पर अपील सुनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया। 1971 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया। 1976 में अनुच्छेद 241 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हुए। धारा 370 का उप अनुच्छेद 3 बताता है कि पूर्ववर्ती विधानों में कुछ भी लिखा हो राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा यह घोषित कर सकते हैं कि यह धारा कुछ अपवादों संशोधनों को छोड़ दिया जाए तो समाप्त की जा सकती है। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कर चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कर चैनल लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।